जिसके लिए मैंने ये बहुत ही कनेक्टेड सवाल है, जैसे आप जो हमने पहले सवाल से जहां से शुरू किया था कि अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम कर्मयोग की बात करते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जहां से हमने शुरू किया था, जो मैंने जीपीएस का उदाहरण दिया था आपको, आपका जिंदगी में एक लार्जर गोल है, उसको अचीव करने को आपको उसको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा और आपको एक टाइम टेबल, समय सारणी बनानी पड़ेगी कि किस टाइम पर हम क्या करें तो मैं अपने लाइफ के वो गोल्स अचीव कर सकता हूं। अगेन, आपके इंटरेस्ट, आपकी वैल्यूज, आपकी एप्टीट्यूड, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। अब इसी में एक एक्सटेंशन आ जाता है कि मैं ऐसा, मेरा जो सहपाठी है वो तो मूवी भी देखने जाता है, वो तो पार्टी भी करता है, फिर भी उसके नंबर आ जाते हैं और मैं कुछ भी नहीं करता और मेरे नंबर नहीं आ जाते, और इससे एक इंसान में एक और अपने अंदर एक भीन भावना की भावना उत्पन्न होने लग जाती है। अब उस समय पर आपको कि देखना है और इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि आप क्या है। जरूरी नहीं कि वो दूसरे का गोल हो लाइफ का, वो मस्ती के लिए भी इंसान पेपर दे रहा हो सकता है कि बस मुझे क्लियर करना, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। पर आपका कितना इंपॉर्टेंट है वो गोल, वो आपकी क्षमता, आपके विचारों और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, बिकॉज वी आर ऑल इंडिविजुअली डिफरेंट पीपल, वी हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियलिटीज एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड टारगेट अकॉर्डिंगली। So, इस तरह से जब आप चलेंगे, आप किसी से कंपेयर मत करिए, अपने आप को अपने प्रीवियस रिजल्ट के साथ कंपेयर करें कि मैंने आज की तारीख में इतनी क्षमताओं को पर अपनी प्रवीणता को पाया है, मैं इतनी प्रवीण हो गई हूं या हो गया हूं और मुझ में ये चीजों की क्षमता पहले से बेहतर है। जब आप इस तरह से अपने आप को इम्प्रोवाइज करेंगे और किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे तो आपके अंदर कभी हीन भावना नहीं आएगी।